हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मानसी अरोरा फ्रॉम एस टी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। वॉट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स अ मिक्स ऑफ, हमने स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट, ये तीन जो स्ट्रैटेजीज हैं इससे प्रीवियस सेशंस में हमने करी हैं अपनी। तो जब इन तीनों को हम एक मिक्स, इनको जब हम एक साथ एडॉप्ट कर लेते हैं तीनों स्ट्रैटेजीज़ को, चाहे साइमल्टेनियसली चाहे सिक्वेंशली, किसी भी तरह जब हम अपने इम्प्रूवमेंट को, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब तीनों जो हमारी ये जो हमने प्रीवियसली करी है स्ट्रैटेजी, इनको जब हम मिक्स कर लेते हैं, तीनों को ही अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन जेनरिक स्ट्रैटेजी। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स अ मिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट ईदर साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशली फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस, इट इज़ सेट टू फॉलो द कॉम्बिनेशन जेनरिक स्ट्रैटेजी। उसको हम जेनरिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन विद कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी द स्ट्रैटेजिस्ट कॉन्शियसली अप्लाई सेवरल जेनरिक स्ट्रैटेजीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फर्म और टू डिफरेंट फ्यूचर पीरियड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ये स्ट्रैटेजीज हैं इनको अप्लाई करता है, कैसे फ्यूचर हमारे जो प्लानिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर। पॉसिबिलिटी क्या है? साइमल्टेनियस अप्रोच जो है, जहाँ पर कुछ एरियाज में स्टेबिलिटी को अप्लाई किया जाता है एंड अनदर एक्सपेंशन को किया जाता है, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी किया जाता है कुछ एरियाज में और दूसरे में रिट्रेंचमेंट को, ठीक है, या कहीं पर रिट्रेंचमेंट को अप्लाई किया जाता है स्ट्रैटेजी को इन सम एरियाज और कहीं पर एक्सपेंशन को, एंड ऑल थ्री स्ट्रैटेजीज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंपनी, या फिर तीनों को हम अलग अलग से अप्लाई करते हैं इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ को। ये स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं ये आपको प्रीवियस सेशंस की आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। तो द लॉजिकल पॉसिबिलिटी फॉर टाइम फेस्ड कॉम्बिनेशन आर ग्रेटर, स्पेशली वेन द प्रोडक्ट मार्केट फंक्शन आर कंसिडर्ड एंड वेन द चॉइस अकर्स थ्रू चेंजिंग द पेस ऑफ द बिजनेस डेफिनेशन। जब हमें चेंज करने हो, लॉजिकल पॉसिबिलिटी कब होती है? टाइम फेस्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब हमें अपने मार्केट में, अपने प्रोडक्ट में, फंक्शंस में किसी भी तरह के कंसिडरेट कोई भी चेंजेस करने हो, अपनी पेस को, जो बिजनेस डेफिनेशन है उसको चेंज करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंट्स कंपनी अडॉप्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी व्हेन इट्स ऑग्यूमेंट्स इट्स, जब वो ऑग्यूमेंट करता है, ठीक है, इट्स ऑफरिंग ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स, ऑग्यूमेंट सेम उसको एनहेंस करता है टू, उसको ही डेवलप करता है टू प्रोवाइड अ ग्रेटर वैरायटी टू इट्स कस्टमर, कस्टमर को ग्रेटर वैरायटी देने के लिए उसको ही आपका बढ़ाता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। यहाँ पे उसने स्टेबिलिटी को, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाई लगाई हुई है, ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट रेंज टू ऐड इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव, जो पेंट्स हैं, और इंक्रीज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट रेंज को टू ऐड इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव पेंट्स, ठीक है, यहाँ पे वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहा है एंड क्लोज डाउन द पेंट कॉन्ट्रैक्टेड डिवीजन, जो उसका पेंट कॉन्ट्रैक्टेड डिवीजन है उसको क्या कर रहा है, वो क्लोज कर रहा है। तो ये कौन सी रिट्रेंचमेंट हुई? जब हम ख़त्म करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कॉस्टिंग कम करते हैं, तो ये तीनों स्ट्रेटजीज यहाँ पे अप्लाई की हुई हैं। अब रीजंस क्या होते हैं टू अप्लाई, रीजंस क्या होते हैं कि हम क्यों फॉलो करते हैं अपनी कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को? तो देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी है एंड फेसेस अ फास्ट चेंजिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, एक कॉम्पिटिटिव बहुत फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, द कंपनीज प्रोडक्ट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, जो कंपनी की प्रोडक्ट है डिफरेंट है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी सूटेबल है फॉर अ मल्टी इंडस्ट्री फर्म एट द टाइम ऑफ रिसेशन, अगर रिसेशन का टाइम है, ठीक है, अगर किसी भी तरह का रिसेशन है तो उसके लिए सूटेबल है, डिफरेंट डिफरेंट उसको अप्लाई करनी पड़ती है। द कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर फर्म्स डिवीजन ऑफ विच परफॉर्म अनइवनली और डू नॉट हैव द सेम फ्यूचर पोटेंशियल, अगर किसी भी कॉम्बिनेशन कहाँ पे बेस्ट है फर्म में, जहाँ पे डिवीजन जो है जो अनइवनली है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स का, या डू नॉट हैव द सेम फ्यूचर पोटेंशियल, जहाँ पे जो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो अपनी हमारी जो है वो पोटेंशियल, मतलब सेम नहीं है उसका फ्यूचर जो है किसी तरह से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उस पर बेस्ड है,
अब नेक्स्ट हमारी आती है, व्हाट आर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मर्जर्स क्या होते हैं, एक्विजिशंस क्या होते हैं। कई जगह ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं दोनों वर्ड्स, लेकिन है ये दोनों वर्ड्स अलग अलग। मर्जर्स मतलब जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी को बनाती हैं, एक्विजिशन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओवरटेक, मतलब उस दूसरी कंपनी को ले लेती है, ठीक है। अब अ कंप्लीट गाइड मर्जर एंड एक्विजिशन आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंसोलिडेशन ऑफ टू बिजनेसेस। कंसोलिडेट होते हैं जब दो बिजनेस विद एन एम टू इंक्रीज मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एंड इन्फ्लुएंस इन द इंडस्ट्री, अपने इन्फ्लुएंस को रेज करने के लिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशन आर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर प्रिपेयरिंग, एनालिसिस एंड डेलिबरेशन, ठीक है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देर आर लॉट ऑफ पार्टीज हु माइट बी अफेक्टेड बाई अ मर्जर और एन एक्विजिशन। बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो इफेक्ट होते हैं, लाइक गवर्नमेंट है, एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी, वर्कर्स, मैनेजर्स। बिफोर अ डील इज फाइनलाइज्ड, ऑल पार्टी नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड देयर कंसर्न शुड बी एड्रेस सो दैट एनी पॉसिबल हर्डल कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। जो पूरी प्रोसेस है, जिस भी तरह की जो गवर्नमेंट, जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको देखना चाहिए कि किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, किसके थ्रू हमें ये सारा काम करना है। वर्कर्स को पता होना चाहिए, मैनेजर्स को, उसके बाद ये डील होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी किसी भी तरह का कोई हर्डल फेस ना करना पड़े, ठीक है। अब मर्जर का इंट्रोडक्शन और एक्विजिशन का M&A भी कहा जाता है। अगर हम इसको वैसे देखें, इज़ अ टेक्निकल टर्म यूज टू डिफाइन द कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज व्हेन टू कंपनीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट। जब एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए दो कंपनी कंबाइन होती है, इज नोन एज मर्जर। व्हाइल एन एक्विजिशन रेफर्स टू द परचेज ऑफ कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है बाय अनदर कंपनी, ठीक है, बाय अनदर वन, विच मीन्स दैट नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड बट वन कंपनी हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू अदर। एक कंपनी दूसरे में एब्जॉर्ब हो गई है, दूसरे में मिल गई है, ठीक है, इसको हम एक्विजिशन कहते हैं। ये आप डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मर्जर विद कंसोलिडेशन, ठीक है। एक कंपनी ए कंपनी बी प्लस करा हमने तो कंपनी सी बनी। एक्विजिशन में क्या है, कंपनी एक्स कंपनी वाई क्या हुआ, कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को एब्जॉर्ब कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं विच comes under corporate finance. The subject deal with buying, selling, dividing and combining various companies. जो main का किस चीज़ में deal करते हैं, buying में, selling, dividing and combining various companies. It is a type of restructuring with the aim to grow rapidly. ठीक है, increasing main motive क्या है, profitability and capture a greater proportion to a market share. Market share में greater proportion को अपना होल्ड करना, मतलब एक मार्केट शेयर अपना बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट का, अपनी जिस भी चीज़ में आप डील करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मर्जर और एक्विजिशन का मीनिंग हुआ। अब टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मर्जर्स। मर्जर्स के तीन टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनीज, व्हेन बोथ कंपनीज आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, जब दोनों कंपनी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, विच मीन्स दे आर यूजुअली कंपटीटर्स, ठीक है, कंपटीटर्स हैं ऑब्वियसली जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। एग्जांपल, डिज्नी बॉट ल्यूकस फिल्म, बोथ कंपनीज वर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फिल्म टीवी शोज, तो सेम लाइन में है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहेंगे। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, दिस हैपन व्हेन टू कंपनीज आर इन द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जब दो कंपनी सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन में बट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट, उनका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है, कंपनी सेम है लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट बॉट नोकिया टू सपोर्ट इट सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के, प्रोवाइड हार्डवेयर नेसेसरी फॉर द स्मार्टफोन, ठीक है, जो उनकी सेम लाइन है, जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल। अब आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, इसमें क्या है, टू कंपनीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनका लाइन ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। दिस काइंड ऑफ मर्जर मोस्टली टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाइड एंड स्प्रेड द रिस्क, अपने जो रिस्क को डाइवर्सिफाई और स्प्रेड करने के लिए रिस्क को, इन केस द करेंट बिजनेस स्टॉप्स यील्डिंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स, जब जो दो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट जो मेकिंग जो उनका एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं पे एक एडिक्वेट प्रॉफिट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जब बिजनेस एक येल्ड नहीं दे पा रहा है, ठीक है।
दिस काइंड ऑफ मर्जर मोस्टली टेक प्लेस इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई एंड स्प्रेड द रिस्क इन केस द करेंट बिजनेस स्टॉप्स यील्डिंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर टाइप्स ऑफ मर्जर्स. दिस इज ऑल फॉर टुडे. नाउ विल कंटिन्यू एक्विजिशन इन अवर नेक्स्ट session. Thank you so much.